आज हमारे साथ रामायण की टीम है जो आज हमें बताएगी कि इस नए जमाने में एफबी और सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर्स के लिए क्या संदेश है और वो अपने रामायण अपनी दिवाली कैसे मनाएं। तो हमारे साथ हमारी कास्ट है राम जी, और उनसे हम पूछते हैं आज का क्वेश्चन कि इस नए यूजर्स जो फेसबुक पे यूजर्स हैं, जो नया यूथ है, उनके लिए आपका क्या है मैसेज कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली वो कैसे मनाएं। मेरा मानना है कि दीपावली है ना, दीपों की आवली, कि एक दीपों की जिसे लाइन कहते हैं, अच्छे में समझाएं तो मैं चाहूँगा कैंडल्स ना जलाकर आप दीप जलाएं, पटाखे बिल्कुल ना जलाएं जिससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमारे देश में है और फैलेगा अगर दीप जलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, घर में बैठिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे रामायण की कहानी सुनिए, जानिए, अपने बच्चों को बताइए कि क्यों हम दिवाली मनाते हैं, और एक दूसरे को मिठाई बांटिए, अच्छी तरह से घर पर पूरे परिवार सह परिवार सहित दीप जलाकर साथ में भगवान राम के भजन करके, इस तरह अगर आप दिवाली मनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी दिवाली और ज़्यादा अच्छा संदेश देगी बनिस्पत अगर आप ज़्यादा पटाखे जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। अब हमारे साथ रामायण की स्टार कास्ट की सीता हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मैम, अगर आज की डेट में आपका स्वयंवर होता है तो क्या आप उसको इंस्टा पे लाइव करेंगी, और उसके बाद क्या आप उसे एज अ स्टेटस डालेंगी, और क्या स्टेटस होगा आपका? नहीं, अपडेट तो दूंगी कि मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ, और क्योंकि वो आदत हो गई ना आजकल हर चीज़ अपडेट करने की, तो अपडेट तो करूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरा स्वयंवर मैं मेरे जितने भी फैंस हैं उनको लाइव दिखा सकूँ। तो अगर बात करें स्टेटस डालने की, या शॉर्ट स्टोरीज आजकल बहुत चलना शुरू हुआ है, तो आपका क्या स्टेटस होगा, मेन फोकस आप किस पे करेंगे अपने स्वयंवर में से? ऑब्वियसली सबको राम जी, मतलब राम जी ही सबको चाहिए होते हैं, जो बेस्ट पर्सन होता है वही चाहिए होता है, तो मैं भी जो जिसमें मुझे राम दिखेंगे उनको ही मैं सेलेक्ट करूँगी। थैंक यू। और मैम, लास्ट क्वेश्चन ये कि जब आपको रावण हरण करके आपको लंका ले जाते हैं तो उस समय आपका जो चेक इन स्टेटस होगा वो क्या होगा? #, चिलिंग अशोक वाटिका विथ रावण। थैंक यू। अब जब आपने चेक इन कर ही दिया है अशोक वाटिका में, तो आप सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं, वाईफाई या अपना वार्डरोब? आई थिंक वार्डरोब के बगैर तो चलता है, बट वाईफाई वो थोड़ा इसको, मतलब आई मीन रामन को थोड़ा खर्चा करना चाहिए था, अगर वाईफाई तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आप यहाँ पे अपने हेल्थ रूटीन्स पे कैसे फोकस करेंगी, अपनी फिटनेस के लिए क्या करेंगी आप अशोक वाटिका में? है उसका इंतज़ाम, टेंशन नहीं है, वाटिका में रखा है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स हैं, और ये लोग तो राक्षस से हैं, राक्षस योनि के हैं, तो इन लोगों के पास नॉनवेज भी, बॉइल्ड चिकन मटन ये सब मिल जाएगा। ये मैं अंजना, एज एन अंजना बोल रही हूँ, एज एन सीता माता नहीं बोल रही हूँ, तो वो मुझे खाने को मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो अब हमारे साथ हैं रामायण के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हनुमान, उनसे हम जानते हैं कि उनके आज की डाइट प्लान्स क्या होते हैं। तो सर, आज की जो आप नया युग है उसके लिए आप अपने डाइट प्लान्स शेयर करिए, और आजकल आप, हम जानते हैं कि ऐप से फूड ऑर्डर करने का सिस्टम है, तो आप ईट आउट प्रेफर करेंगे या होम डिलीवरी प्रेफर करेंगे? अगर दिवाली का टाइम चल रहा है और घर में बाहर बहुत सारी झांकियाँ, जैसे मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे मंदिर के अंदर जो है झांकियाँ बनती हैं, और चौराहे पे झांकियाँ लगती है, लाइटिंग होती है पूरे शहर के अंदर, और वैसे अगर टाइम मिला और मैं दिवाली के टाइम पे घर पे हुआ, मोस्टली मैं दिवाली पे भी कई बार शूट कर रहा होता हूँ, मेरे को एक दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं बॉम्बे में होता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं तो बाहर जाना ही पसंद करूँगा, क्योंकि इतने अच्छे खूबसूरत गवर्नमेंट ने सजाया हुआ होता है जगह को, और बस घूमना प्रीफर करूँगा। लेकिन खाना तो मैं घर पर ही प्रीफर करूँगा, खाना इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी होता है रोड्स पे, और पटाखे बच्चे बजा रहे होते हैं, तो वही खाना आप खा रहे हो, और इतने इतनी ज़्यादा मतलब कि धूल मिट्टी उड़ रही होती है, तो मेरे हिसाब से घर पे ये अपने दिए जला के और फैमिली के साथ खाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और सिर्फ लेकिन घूमने के तौर पे मैं लाइटिंग देखने के तौर पे बाहर जाना प्रेफर करूँगा, छोटा मोटा खा सकता हूँ। और हनुमान का आज के यंग जनरेशन के लिए डाइट प्लान क्या होगा जो आपकी तरह वो फिट रहें और बॉडी बनाएं? सिर्फ छोटी सी बातें, थोड़ी ध्यान रखें, हर कोई फिट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी बनाना, हर कोई इंसान बॉडी बना सकता है, हफ्ते दिन के अंदर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट की जरूरत होती है, और सबसे ज़रूरी कि आपको हेल्दी फूड खाना है, क्वालिटी फूड खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैट खा रहे हैं या कैलोरीज खा रहे हैं या ओवर प्रोटीन पी रहे हैं, फैट भी ज़रूरी होता है और कैलोरीज भी ज़रूरी होती है,
तो आप अच्छा हेल्दी फूड खाएं, जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ नशे को छोड़ दे, बुरी आदतों के अंदर जैसे सिगरेट ना पिएं, शराब और गुटखे और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये नहीं खाएं। अपना रूटीन सही बनाएं कि सुबह टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ और सुंदर बनती जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि लड़के क्या करते हैं कि उनके कोई जैसे किसी से अफेयर होता है, किसी का कोई गर्लफ्रेंड होती है, छोड़ के चली जाती है, तो उसके पता नहीं क्या सैड गाने सुनने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिगरेट पीना शराब पीना ये चालू कर देते हैं। अगर वो दिल तोड़ के गई है तो उसको दिखाओ कि भाई तुमने किसका दिल तोड़ा है और मैं कौन हूँ। वो कैसे दिखाओगे कि कोई अच्छी चीज़ करो, जिम में जाओ, कोई टारगेट सेट करो कि मेरे को मिस्टर वर्ल्ड बनना है या एक्टिंग फील्ड में आना है या कुछ आना है, कुछ बड़ा वहाँ पे अपना गुस्सा डालो। ये नहीं कि सिगरेट पी के आप कूल हो रहे हो, ये कि चली गई, रो रहे हो, धो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसको प्रूव करके दिखाओ आप कुछ चीज़ हो, आपके भी अगर आप चले भी जाओगे तो दुनिया आपको याद रखेगी कि भाई ये भी कोई आदमी था। तो गुस्से को उस तरीके पर मोड़ दो। लास्ट क्वेश्चन, हनुमान ने उस समय दिखाया था अपना सीना चीर के कि जी राम और उनके दिल में है। जी आज की जनरेशन अगर किसी को राम मानती है तो जी कैसे प्रूव करेगी? और राम ऐसे ऐसे प्रूव करेगी कि सबसे पहले तो हर इंसान के लिए, मेरे हिसाब से जैसे मैं हनुमान हूँ, उसके माँ बाप ही उनके लिए राम होते हैं कि उनके हर बेटा बेटी की जगह माँ बाप के चरणों में होती है। तो इंसान अपने मतलब भगवान और सब, आज मैंने भगवान देखे नहीं और धरती पे तो मॉम डैडी हैं जो हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो मैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी यूथ को यही कहना चाहता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि बुरे वक्त में सिर्फ घर वाले स्पेशली मम्मी और पापा ही काम आते हैं और दोस्त यार और कोई इतना काम आता नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बस घर वालों को ही सबसे ऊंचा दर्जा दीजिए, अपनी आपकी फैमिली फर्स्ट है, बाकी सब दोस्ती यारी लड़कियां और भी जो दोस्त हैं वो सब सेकंड बात की चीज़ें होती हैं। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि आजकल सरकार भी फिट इंडिया के लिए बहुत कुछ कैंपेन चला रही है, आप सबसे फिटेस्ट पर्सन माने जाते हैं रामायण में, तो आज की डेट में फिट इंडिया हिट इंडिया के लिए क्या मैसेज है आपका? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, फिट इंडिया के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि प्लीज़ 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 नशे पत्तों से दूर रहें और बुरी संगतों से दूर रहें। कि सबसे ज़रूरी तो आपके अगर दोस्त यार ये इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आदत पड़ सकती है। और सुबह सबसे ज़रूरी एक तो अपना रूटीन बनाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, और अपने पेट को डस्टबिन नहीं बनाएं कि जिसने कभी भाई ये टॉफ़ी दे दी, किसी ने ये चल यार पानी पूरी या गोलगप्पे खाने चलते हैं ये दे दिया, कभी भी उठ के छोटा सा कोई चाय पी रहा है तो बिस्किट उठा के खा लिया। हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप उस टाइम टेबल पर अपना रूटीन सेट करेंगे और पॉजिटिविटी रखेंगे, कई लोग जाते हैं एक दिन जिम किया, थोड़ी सी मेहनत करी, हाथ पांव दुख गए, अगले दिन गए नहीं, या आप देखते हैं कि न्यू ईयर होता है तो जिम भरे रहते हैं शुरुआत के 1 महीना तक जनवरी, उसके बाद धीरे 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 खाली होने लग जाते हैं, तो बस फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाओ, फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है कि आज चालू किया और 2 दिन में तैयार हो गए, सालों सालों की तपस्या लगती है। और काम करें और अच्छी, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सप्लीमेंट खा के ही बॉडी बनती है या नॉनवेज खा के ही बॉडी बनती है, वेज भी बनती है। और ये आपका एक गोल पे डिपेंड है कि आप किस लेवल पे बॉडी बनाना चाहते हैं। फिट फिट होना, सिक्स पैक होना, दाल रोटी से भी आप सिक्स पैक बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक जोश की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मोटिवेशन वीडियोस देखा कीजिए, यूट्यूब पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं कि देखो कि कैसे कैसे बुरे बुरे इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो कहाँ से उठ के इतने बड़े हुए हैं, कितने कितने फेलियर उन्होंने फेस किए हैं, उसके बाद जाके यहाँ तक हुए हैं। तो बस वैसा करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि माफ़ करने की ताकत रखो, कि आप सबसे बड़े आदमी तब बनोगे कि जब आपके पास ताकत भी है, आप सामने वाले को नीचा दिखा सकते हो, उसने आपको कभी नीचा दिखाया लेकिन अब आपके पास पावर है, फिर भी आप उसको माफ़ कर दो, तो ये सबसे बड़ी ताकत होती है। बस ये रखो तो सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक्स।